गांव धुमसी में दोपहर लापता हुए श्रद्धा राम का शव रविवार को गन्ने के खेत में अधनंग अवस्था में मिलने से गांव में दहशत फैल गई है। शव के अधनंग अवस्था मिलने पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। बता दें कि बीती 11 नवम्बर को 65 वर्षीय श्रद्धा राम सुबह करीब 6 बजे अपने परिजनों के बिना बताए घर से चला गया था। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को दी तो पुलिस ने गुमशुदा का मामला दर्ज कर श्रद्धा राम की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद रविवार को करीब 10:30 बजे श्रद्धा राम का शव गांव से करीब 1 किलोमीटर दूसरे गन्ने के खेत में मिला। सर ये 11 की सुबह को गायब था और 12 को मैं रिपोर्ट भी कराई थी थाने में, और अभी चलो उसकी कार्रवाई तो चली रही है रिपोर्ट की, लेकिन हमें छानबीन पूरी करी जी। गांव में गए, इधर उधर घूमे, चुगेरदा घूमे हम, तो हमें कोई सुराग नहीं मिला जी। देखो आज सुबह ये सुराग मिला है हमारे को, जिसकी वजह से एक आते यहाँ जो खेत के अंदर बीज बोने वाली लेबर थी वो आई थी, उन्होंने देखा कि ये यहाँ पर एक चादर पड़ी है, और ये चादर देखने के उपरांत उन्होंने गाँव में सूचना डाली जी। तो उसके उपरांत गाँव के लोग आए, हम भी आए परिवार के सारे इकट्ठे होके, तो हमें इधर छानबीन करने के बाद ये इस गन्ने के खेत में मिले जी, और जो कि कपड़े से भी बेतंग कपड़े से है ना, अंजबीना बेतंग कपड़े से हैं, और हमारी डेड बॉडी है, ये हमारे अंकल जी हैं। देखो जी कैसे हुआ क्या हुआ, इसकी छानबीन अभी चल रही है। देखो तो उन्होंने जाकर देखा वो डेड बॉडी को? उन्होंने तो देखा नहीं जी, उन्होंने तो सिर्फ कपड़ा देखा, उन्होंने कहा कि जो यहाँ लेबर आई उन्होंने सिर्फ कपड़ा देखा, ले परिवार के आए उन्होंने आगे देखा है यहाँ से। हाँ परिवार वालों ने अपनी बॉडी को पहचान लिया, ये हमारी बॉडी है। कब से लापता था ये? 11 तारीख से था, सुबह लापता हो गए थे, 6 बजे करीब हो गए थे जी। बॉडी मिली है, क्या मामले? ये परसों 11 तारीख को सरदार राम नाम का व्यक्ति अपने गांव से लापता हो गया था, जिस संबंध में कल थाना में सूचना प्राप्त हुई थी और इस पर FIR लॉन्च कर दी गई थी। तो आज सुबह सूचना मिली थी कि सरदार राम की डेड बॉडी डूमसी इको खेत में मिली है। जो मौके पर आए, मौके का मुआयना किया है और FIR टीम को मौके पर बुलाया गया है, और उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो नियमानुसार कार्रवाई वो की जाएगी। क्या लगता है बॉडी पे कोई निशान है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अभी जांच चल रही है, FIR टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जैसा भी सामने आएगा वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी। कुछ उसके पास से बरामद हुआ था? नहीं कुछ नहीं, एक शराब की बोतल रखी थी पास में, उसके थोड़ी सी बची हुई शराब थी और कुछ नहीं। इस अवस्था में मिला हुआ? नीचे से नग्न अवस्था में है जी। तो परिजन हत्या का कोई आरोप? तो जांच का विषय जी, जांच कर लेंगे, अगर ऐसी बात होगी तो कार्रवाई की जाएगी। हाँ डॉग स्क्वाड को लेने के लिए टीम गई हुई है, आइए उसका भी मुआयना करवा देंगे डॉग स्क्वाड से भी जी। फिलहाल प्राथमिक दृष्टि से क्या लगता है? बस जांच का विषय जी, तो कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, तो बाकी डेड बॉडी इंडेशन गया पोस्टमार्टम होने के बाद जो उसमें आएगा वह कार्रवाई की जाएगी।